हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हरियाणा के पर्यटक स्थल के ऊपर। ओके, कितने पर्यटन स्थल हैं हरियाणा में, वो सभी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक डिफरेंशिएट करा देता हूँ मैं कि एक पर्यटन स्थल होते हैं, क्या क्या बोला है जी मैंने, एक तो होते हैं पर्यटन स्थल। ओके, पर्यटन स्थल एक होते हैं जी, धार्मिक स्थल एक क्या होते हैं, धार्मिक स्थल, और एक होते हैं जी हमारे ऐतिहासिक स्थल। ये सभी तीनों के तीन अलग अलग हैं जी। पर्यटन स्थल अलग है, धार्मिक स्थल अलग है, ऐतिहासिक स्थल अलग है। पर्यटन स्थल वो होगा जो सरकार अभी पर्यटकों को उत्साहित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कुछ कदम उठाती है, कुछ चीज़ें स्थापित करती है, वो क्या है, पर्यटन स्थल है। धार्मिक स्थल हैं जी जो हमारे मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं। ऐतिहासिक स्थल है जी जहाँ पे हमारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जहाँ से कुछ मिला है हमको, वो क्या है जी, ऐतिहासिक स्थल है। इन सभी के ऊपर तीनों के तीन वीडियो बनाई जाएंगी। सबसे पहले रहेगी पर्यटन स्थल के ऊपर, फिर आएगी जी धार्मिक स्थल के ऊपर, फिर आएगी ऐतिहासिक स्थल के ऊपर। इससे आपको जो हरियाणा के सभी महत्वपूर्ण स्थल हैं, ओके, तो ये तीन वीडियो आएगी सिर्फ किसके ऊपर, स्थल के ऊपर ही। मतलब आपको प्लेस बताए जाएंगी कि ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, इनसे बाहर कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा। आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी जी पर्यटन स्थल के ऊपर। किसके ऊपर रहेगी जी, पर्यटन स्थल के ऊपर। रब करते हैं इसको, तो हमारी आज की जो वीडियो है क्या है, पर्यटन स्थल के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या बात करेंगे, सबसे पहले आप इसमें लगाओ जी कि कुछ महत्वपूर्ण रेस्टोरेंट क्या है, कुछ महत्वपूर्ण रेस्टोरेंट जो है वो कुछ खोले गए हैं, होटल वगैरह खोले गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, वो कहाँ कहाँ है, क्या क्या उनके नाम है। सबसे पहला आता है जी रेड रोबिन। क्या लिखा है जी, रेड रोबिन, और इसके साथ ही क्या आता है, जल तरंग। क्या लिखा है जी मैंने, जल तरंग, दो लिखे हैं, एक लिखा रेड रोबिन, एक लिखा जल तरंग। ये किस जिले में पाए जाएंगे, ये हैं जी हमारे भिवानी जिले में। तो अगर ये आते हैं कि ये रेस्टोरेंट कहाँ पे खोले गए हैं, रेड रोबिन एंड जल तरंग कहाँ पे हैं जी, ये पर्यटन स्थल भिवानी में। दूसरा, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल्स के नाम से जो है ये कहाँ पे है, ये है जी हमारे मंसूरी में, कहाँ पे है, मंसूरी में। तीसरा है जी हमारा नाहर सिंह का महल, राजा नाहर सिंह बहुत बड़े राजा हुए हैं, नाहर सिंह, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, नाहर सिंह महल। तो ये किस जिले में स्थापित है, ये है जी बल्लभगढ़ में, कहाँ है जी ये, बल्लभगढ़ में। तो याद रखना है, रेड रोबिन, जल तरंग भिवानी में, हॉर्नबिल मंसूरी में, और नाहर सिंह का महल कहाँ पे है, बल्लभगढ़ में स्थित है। रब करते हैं जी। अब इसके साथ ही एक राजहंस नाम से एक चीज़ है, राजहंस। दूसरा है जी एक डबचिक। दूसरा क्या बोल रहा है, डबचिक, राजहंस और डबचिक, ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे जी आपको फरीदाबाद में, कहाँ मिलेंगे जी, ये फरीदाबाद में। उसके बाद आता है अपने पास स्काई लार्क। क्या आता है उसके बाद, उसके बाद आता है जी स्काई लार्क और ब्लू जे। मैं वो वर्ड जो है वो इंग्लिश में लिख दूंगा जो आपको याद करने में आसानी रहेगी। स्काई लार्क जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, तो इंग्लिश में लिख दे, ब्लू जे इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश में लिख दे। किस कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे जी आपको पानीपत जिले में, कहाँ मिलेंगे, पानीपत जिले में ये मिलेंगे। ओके, दूसरा, उसके बाद फिर एक समा आता है, समा। समा कहाँ पे मिलेगा आपको, समा मिलेगा जी आपको गुड़गांव में, कहाँ मिलेगा समा, गुड़गांव में। इसको रब करते हैं। एक और रहता है जी अपना लास्ट, ओएसिस। ओएसिस आपको कहाँ मिलेगा, ओएसिस आपको मिलेगा जी जींद में। ये क्या थे, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल थे जो बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, रेस्टोरेंट टाइप आप समझो इनको। अब हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो अपनी वीडियो को आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आज आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे, उसका नाम होगा जी फरीदाबाद।
जो रेस्टोरेंट वगैरह मैं पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे पर्यटन स्थल से जुड़े। फरीदाबाद सबसे पहले इसमें आता है जी सूरजकुंड। सूरजकुंड क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सूरजकुंड का निर्माण किसने कराया था, ये तोमर वंश के राजा थे जी सूरजमल। क्या थे, किसके राजा थे, ये तोमर वंश के। कौन से, तोमर वंश के। नाम क्या है इनका, सूरजमल। क्या है जी, सूरजमल। सूरजमल से क्या आया है, सूरजकुंड। तो तोमर वंश के राजा थे, सूरजमल ने इसका निर्माण कराया था। ओके, अब हम बात करते हैं, एक होता है कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव। क्या लिखा है जी मैंने, मैं लिखता हूँ कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव। ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है जी फरीदाबाद में। कहाँ पे मनाया जाता है, फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में मनाया जाता है क्या, कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव। उसके बाद एक यहाँ पे पर्यटन स्थल है, इसको रब करते हैं पहले। तो फरीदाबाद में एक पर्यटन स्थल क्या है जी, बड़खल झील। क्या है जी, बड़खल झील। ये आपको कहाँ मिलेगी, फरीदाबाद में मिलेगी। ओके, और एक बड़खल, इसके सूरजकुंड के ही पास एक झील है जिसका नाम क्या है, मयूर झील। नाम क्या है जिसका, मयूर झील। किसके पास है ये, सूरजकुंड के पास है। और ये कहाँ पे आता है, ये फरीदाबाद में आता है। ठीक है जी, तो फरीदाबाद के बारे में थे, मयूर झील और बड़खल झील के बारे में। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट चीज़ रह गई है फरीदाबाद के बारे में, वो है कि अरावली का गोल्फ मैदान। क्या लिखा है जी, अरावली का गोल्फ, ये ऐसे है जी, गोल्फ मैदान। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पे मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा फरीदाबाद में। ठीक है, तो ये 18 होल का एक मैदान है। ओके, अब देखो जी, तो हमने ये पढ़ा है सभी का सभी फरीदाबाद के बारे में, जितने इसके पर्यटन स्थल हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं जी यमुना नगर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे जी यमुना नगर के बारे में। सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है, ताज्जेवाला। दूसरा क्या आता है इसमें, हथनी कुंड। तीसरा क्या आता है जिसमें, कालेश्वर। तीन चीजें पढ़ी हैं, ताज्जेवाला, हथनी कुंड और कालेश्वर। ठीक है, तो ताज्जेवाले के पास ही क्या मिलता है आपको, लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी में हथनी कुंड मिलता है। इस हथनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है, मछुआरों का स्वर्ग। किसको बोला जाता है, हथनी कुंड को बोला जाता है, याद रखना है जी, हथनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है। और क्या है इसमें यमुनानगर में, कालेश्वर आपको लिखाया है, ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है जी, ये राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे मिलेगा, यमुनानगर में मिलेगा। नाम क्या था इसका, कालेश्वर। अब हम बात करते हैं जी यादवेंद्र उद्यान के बारे में। अगर हम यादवेंद्र उद्यान के बारे में बात करते हैं, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा जी आपको पिंजौर में। कहाँ मिलेगा, पिंजौर में। तो क्या मिला है पिंजौर में आपको, यादवेंद्र उद्यान मिला है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि किसको उत्तरी भारत का नंदन वन बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, नंदन वन। किसका, उत्तरी भारत का, उत्तरी भारत का नंदन वन किसको बोला जाता है, यादवेंद्र उद्यान को बोला जाता है। इसमें ही ये जो है वो 4 तलों से बटा है। किन से बटा है जी, ये जो यादवेंद्र उद्यान है, 4 तल हैं इसके। सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूँ जी, ये आता है आपका शीश महल। दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, ये आता है जी जल महल। तीसरे की अगर मैं बात करता हूँ जी, ये आता है रंग महल। और अगर मैं लास्ट की बात करता हूँ, तो ये आता है जी गुलदस्ता महल।
तो मैंने आपको तीन चार चीज़ें पढ़ाई हैं कि जो यादवेंद्र उद्यान है ये पिंजौर में स्थित होगा, उत्तरी भारत का नंदनवन बोला जाता है, ये चार तलों में बंटा है, नाम क्या है, शीश महल, जल महल, रंग महल और गुलदस्ता महल, ठीक है। ऐसे ही पंचकुला में एक कैक्टस गार्डन है, क्या है जी, कैक्टस गार्डन है, ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है, कैक्टस गार्डन है, इसमें लगभग 3500 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये सभी आपने लिखने हैं कि पंचकुला में कैक्टस गार्डन है, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, 3500 प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं, इसको रब करते हैं जी। अब हम बात करते हैं कर्ण झील के बारे में, करनाल के बारे में। करनाल में सिर्फ एक ही पर्यटन स्थल है, वो कौन सा है, कर्ण झील है। कर्ण झील वही झील है जहाँ पे महाभारत का जो कर्ण था वो नहाने के लिए आता था। उसके बाद हम बात करते हैं जी, करनाल के बाद हम बात करते हैं पानीपत की। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। सबसे पहला ही जो है इसमें कि काला अंब, क्या बोला है जी, काला अंब, ये काला अंब जो है ये कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पे है पर्यटन स्थल, पानीपत में है। किससे इसका रिलेशन है, संबंध है, ये बाबर से इसका क्या है, संबंध है, किसका, काला आम का। उसके बाद है कि सरकार ने पानीपत, कुरुक्षेत्र और पिंजौर, रब करते हैं इसको पहले, क्या क्या बोल रहा है जी, सरकार ने पानीपत, कुरुक्षेत्र और क्या है आपका, पिंजौर, पानीपत, कुरुक्षेत्र और पिंजौर, ये स्पेलिंग मैंने जानबूझ के छोटी लिखी है, ये अपने आप लिख लेना। तो पानीपत, कुरुक्षेत्र और पिंजौर को पर्यटन परिपथ के रूप में विकास करने की योजना बनाई है सरकार ने, क्या बोल रहा है कि पानीपत, कुरुक्षेत्र और पिंजौर को पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। मैं परिपथ, पर्यटन परिपथ को लिख देता हूँ, पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने के लिए क्या बनाई गई है, योजना बनाई गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी गुड़गांव के बारे में, हम किसके बारे में बात करते हैं जी, गुड़गांव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या आता है, सोहना, सोहना नाम की जो जगह है वो कहाँ पे मिलेगी, गुड़गांव में मिलेगी, ओके। इसमें क्या होता है, फरवरी माह में, कौन सा मंथ है जी, फरवरी मंथ है, इसमें विंटेज कार रैली होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, विंटेज, इसको मैं रब मिटाता हूँ, विंटेज, विंटेज कार रैली, ये कहाँ पे आयोजित की जाती है, गुड़गांव में आयोजित की जाती है फरवरी के मंथ में। उसके बाद ये जो गुड़गांव का सोहना है, ये सोहना अपने प्राकृतिक गर्म कुंडों के कारण काफ़ी फेमस है, गर्म कुंडों के कारण काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इसमें स्नान करने से जो है वो अगर चर्म रोग किसी का है तो वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, किसमें, गर्म कुंडों में स्नान करने से। कहाँ पे हैं गर्म कुंड, ये सोहना में है जी, ठीक है। सोहना में एक और क्या थी, विंटेज कार रैली निकलती थी, कब निकलती थी, ये निकलती थी जी फरवरी के मंथ में। अब गुड़गांव का एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो है दमदमा झील, ये कहाँ पे मिलेगी आपको, गुड़गांव में मिलेगी, और लास्ट क्या है इसका, सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये भी कहाँ पे है, ये भी गुड़गांव में ही प्रेजेंट है, गुड़गांव में है जी, क्या है, सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक। और दमदमा झील भी कहाँ पे है, गुड़गांव में स्थित है, इसको रब करते हैं जी। उसके बाद हम बात करते हैं अपने कुरुक्षेत्र के बारे में, कुरुक्षेत्र में क्या है, कुरुक्षेत्र में वैसे तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, बट अभी हम इम्पोर्टेंट क्या पढ़ेंगे, ज्योतिसर हम पढ़ेंगे। इसके जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी सिर्फ जहाँ पे पर्यटक आते हैं, पर्यटन स्थल के रूप में जो विकसित किया उसको हम पढ़ेंगे, ज्योतिसर। ये सरस्वती नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है जी, सरस्वती नदी के किनारे है, ओके। स्नान करने से क्या है, ज्योतिसर जो तीर्थ है इसमें स्नान करने से क्या होता है, स्नान करने से इसमें कुछ नहीं होता, स्नान करने से किस में होता था, गर्म कुंडों में होता था जो कहाँ थे, सोहना के थे,
ठीक है। बट यहाँ पे तो बात यह है कि इनको किससे जोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया है कि सरस्वती, सॉरी ये सरस्वती नदी के किनारे जो ज्योतिसर तीर्थ है, इस ये तालाब है, इसको किसके साथ जोड़ा गया, ये नरवाणा नहर है। कौन सी नहर है जी? नरवाणा नहर है। नरवाणा नहर से इसमें निरंतर लगातार शुद्ध जल जो है वो उपलब्ध होता है। ओके, अब कुरुक्षेत्र में इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट आता है जी आपका पैराकीट। क्या लिखा है जी मैंने? पैराकीट। पैराकीट जो है वो कहाँ पे मिलेगा? पैराकीट मिलेगा जी आपको कुरुक्षेत्र में। ठीक है, पैराकीट कहाँ मिलेगा? कुरुक्षेत्र मिलेगा। ये पर्यटकों की सुविधा के लिए इस पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में ये थे। एक लास्ट का रहता है अपनी आज की वीडियो का, वो है कि गोरैया पर्यटक स्थल। मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे गोरैया पर्यटक स्थल। ये स्थल कहाँ पे मिलेगा? ये स्थल मिलेगा जी आपको बहादुरगढ़ में। कहाँ मिलेगा? बहादुरगढ़ में। और बहादुरगढ़ कहाँ पे है जी? झज्जर में है बहादुरगढ़। ठीक है, तो गोरैया पर्यटक स्थल कहाँ मिलेगा आपको? बहादुरगढ़ में मिलेगा। कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नाम की एक चीज़ पड़ी है। अभी और भी बहुत कुछ है इसमें, ब्रह्म सरोवर भी है, पैनोरमा भी है, ठीक है, और कल्पना चावला का भी है, और बहुत सारे मंदिर हैं। वो किस में पढ़ेंगे? वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके, जहाँ पे ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थलों के बारे में हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये थे दोस्तों पर्यटक स्थल। क्या बोल रहा है? पर्यटक स्थल थे, धार्मिक स्थल और अपने जो ऐतिहासिक स्थल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको फॉलो कर सकें। ओके, और चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।